ओटीटी में जो जो शो बनाया जाता है, पहले तो शो ओटीटी शो और थिएट्रिकल फिल्म में, उसके उसमें आपके पास वक्त है किरदार को डेवलप करने का, उसके अलग अलग पहलू सामने लाने का, उसके अलग अलग शेड्स सामने लाने का, पर फिल्म में आपके पास 2-2.5 घंटे ही है सिर्फ। जब मेरे पास ये जब उन्होंने मुझे इस पार्ट के लिए अप्रोच किया, मुझे बताया गया कि एक वकील का किरदार है, क्या आप इसे करना चाहेंगी, तो हाल ही में मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई ख़त्म की थी पिछले साल, और 3 साल LLB की डिग्री के लिए पढ़कर जब पहला पार्ट जो मुझे ऑफर किया जाता है वो एक वकील का है, तो मुझे लगा कि ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है। अच्छा, इसी बीच एक गुड न्यूज दे दूं, किली पॉल को आप जरूर सोशल मीडिया पर फॉलो करती हैं, तो वो भी बिल्कुल वाइल्ड वायरल कार्ड हो गई है एंट्री, आजकल, हाँ, और और वो सब वाइल्ड अलग कार्ड अलग एंट्री वो कर भी इन्फ्लुएंसर्स जा के रहे हैं, साथ वीडियोस बना रहे हैं। एंड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री वो बिग बॉस में भी एंट्री करने वाले हैं। व्हाट आर यू सेइंग? बचपन में क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में हमें अच्छे से गाइडेंस मिली, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर क्या सच है क्या गलत है, और सरकमस्टांसेस के मुताबिक हम बस फैसला ले लेते हैं। तो लेकिन सच जो है वो सच क्यों है और झूठ जो है वो झूठ क्यों है, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई बोलते बोलते। और इसी पर आज हम बात करेंगे गुलपनाथ जी से, जिनकी वेब सीरीज आ रही है 14 अक्टूबर, जिसका नाम है गुड बैड गर्ल। हाय गुलपनाथ मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल वर्षा, आप कैसी हैं? ऑल गुड। सबसे पहले तो बताइए, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी कैसी लगी? क्योंकि ट्रेलर देखकर हमें मजा आया और हमें एक नया टॉपिक लग रहा है जो इस बार वेब सीरीज के तौर पर दर्शकों तक पहुंचेगा। दरअसल मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी हाँ बोलने से पहले, जब मेरे पास ये जब उन्होंने मुझे इस पार्ट के लिए अप्रोच किया, मुझे बताया गया कि एक वकील का किरदार है, क्या आप इसे करना चाहेंगी, तो हाल ही में मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई खत्म की थी पिछले साल, और 3 साल LLB की डिग्री के लिए पढ़कर जब पहला पार्ट जो मुझे ऑफर किया जाता है वो एक वकील का है, तो मुझे लगा कि ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है, ताज्जुब की बात है, इसको तो हाँ बोल देना चाहिए। फिर विकास बहल इसे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो फिर सोने पे सुहागा, और जब फाइनली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हाँ बोलने के बाद, मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। तो कभी कभी इम्पल्सिवली लिए गए डिसीजंस को भी, और जो बिना किसी लॉजिक के लेते हैं वो भी अच्छे साबित हो जाते हैं। तो पहली बार आप एक लॉयर का किरदार निभा रही हैं, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा कि ऑलरेडी आप उसकी स्टडी कर रही थी, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट लगा? देखिए, ये कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है। वकालत के अंदर मिलोट मिलोट, तारीख पे तारीख, उस टाइप का शो नहीं है। ये कहानी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की, जैसे आपके ADP ऑफिस में किस तरीके की आपस में तालमेल होता है, किस तरीके की जुगलबंदी होती है। ये एक ऑफिस, लॉ फर्म के ऑफिस में जो कंपटीशन एनवायरनमेंट है, जो राइवलरी है, जो आपसी के अंदर की चक्रव्यूह है, उसके ऊपर आधारित है। ये लॉ फर्म मेरी है, मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ, और इस पे मेरा भाई भी काम करता है, जिसका किरदार वैभव राजगुप्ता गुल्लक के जो है वो निभा रहे हैं, और जिसमें समृद्धि दीवान भी काम करती है, जो माया का किरदार निभा रही है। तो माया का किरदार मेरी लॉ फर्म में काम करता है, मेरी एक एम्प्लॉई है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी हरकतों की वजह से मुझे उसे फायर करना पड़ता है, पर जब मैं उसे फायर करने जाती हूँ वो एक बॉम्ब फोड़ देती है। अब उसके बाद क्या होता है, कहानी वहां से शुरू होती है पहले एपिसोड में। जैसा कि मैम आपने बताया कि स्टोरी सच और झूठ के इर्द गिर्द घूम रही है, एक सिचुएशन में वो लड़की माया पहुंच जाती है और उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि चलिए इससे निकलना है तो झूठ ही बोल देती हूँ। अगर रियल लाइफ में आपके लिए सच और झूठ का क्या डेफिनेशन है? मुझे लगता है अगर किसी से किसी का किसी किसी ऐसी बात से हम जो हम बोले जिससे किसी का दिल नहीं दुखे, तो उसे नहीं, मतलब उसको शायद हम झूठ नहीं कह सकते, जिसको हम सफेद झूठ बोलते हैं। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम झूठ बोलूं, और डे टू डे लाइफ में एज अ प्रैक्टिस झूठ ना ही बोलूं, तो सबके लिए अच्छा होता है। तो क्या आप थोड़ा सा हमें हिंट दे सकते हैं कि ये माया का जो झूठ है लास्ट में क्या उसपे उसी पर भारी पड़ जाता है? ये तो आपको शो देखकर ही मालूम पड़ेगा। ये तो मैंने
थैंक फ्रैंकली मैंने भी पूरे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो मैं भी वेट कर रही हूँ एक मौके की कि हम सारे पूरा शो इकट्ठा बैठ के देखें। ये भी जानना चाहूंगी मैम, आपने मूवीज में काम कर लिया, अब आप वेब सीरीज भी आपने कर लिए हैं, अच्छा खासा आपको दोनों तरफ का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अगर मैं कुछ डिफरेंसेस जानना चाहूं, जैसे क्या वेब सीरीज में वो ड्रामा खत्म करने और उस चीज को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जाती है एज कम्पेयर टू द मूवीज? अच्छा देखिए, एज एन एक्टर फर्स्टली तो मुझ में मुझे मेरी आउटलुक में कोई फर्क नहीं पड़ता है एज एन एक्टर। बता दूं मैं आपको कि चाहे मैं ओटीटी के लिए काम कर रही हूँ या फिर मैं एक फिल्म के लिए काम कर रही हूँ, मेरे लिए तो एक्टिंग एक्टिंग है। और कहानी किस प्रकार की है, उसमें मेरा क्या किरदार है, उस किरदार की क्या भूमिका है बड़े बड़े पैमाने पर, उस पर मेरा मेरा पाठ आधारित है। और ये मेरी रुचि है। अगर आप टेक्निकल सवाल पूछे तो मुझे लगता है काफी फर्क है। ओटीटी में जो जो शो बनाया जाता है, पहले तो शो ओटीटी शो और थिएट्रिकल फिल्में, उसकी उसमें आपके पास वक्त है किरदार को डेवलप करने का, उसके अलग अलग पहलू सामने लाने का, उसके अलग अलग शेड्स सामने लाने का। पर फिल्म में आपके पास 2-2.5 घंटे ही है सिर्फ। पर ओटीटी के लिए भी बहुत सी फिल्में बन रही हैं, तो जब फिल्म फिल्म की बात होती है तो बात तो 2-2.5 घंटे का सवाल है। इनफैक्ट सबसे चैलेंजिंग जो मीडियम मुझे आजकल लग रहा है वो है शॉर्ट फिल्म मीडियम। मैंने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मनोरंजन, जरूर देखिएगा उसे, यूट्यूब पर है, मनोरंजन गुलपनाथ पर अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में आपको दिखाई देगी। जी उसकी कहानी मैंने लिखी थी, उसके डायलॉग बहुत खूब सुखमनी ने लिखे थे, जिन्होंने अभी हाल ही में एक और फिल्म भी रिसेंटली की है जो दिलजीत के साथ है, 1984 राइट्स पर, जोगी जोगी नाम है उसका। तो आई थिंक वो मीडियम बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि आपको 20-1 मिनट में, 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर पूरी कहानी लपेटनी है, ऑडियंस को ग्रिप करके भी रखना है। तो कंटेंट बिल्कुल तो हमेशा उसकी उसके उसकी जो परिभाषा है, जिस टाइप का वो कंटेंट है, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म, 5-5 6-6 मिनट की भी शॉर्ट फिल्म सब बनने लगी है। तो मेरे हिसाब से लेंथ में कोई एक में कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आई मीन इट्स ऑल द सेम रियली। बिल्कुल बट व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग अ वेब मैंने सीरीज? शुरुआत से वो आपको मैंने बताया था जब मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो बिकॉज मैं तो एज एन एक्टर काम कर रही हूँ ना, मेरे को तो मतलब अल्टीमेटली जो मेरा पार्ट है, जो मेरा जो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं तो वही करूंगी। अब चाहे वो पार्ट जो मुझे ऑफर किया गया है वो ओटीटी का हो या उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपको जो आपने सवाल किया था ओटीटी वर्सेस थिएट्रिकल की डिफरेंसेस की मैं आप तुलना कर रहे थे हम, पर मेरे को शुरू से कभी फर्क नहीं पड़ा है कि मीडियम क्या है। मैंने टेलीविजन में भी काम किया है, मैंने फिल्म में भी काम किया है, अब ओटीटी में भी काम किया है, सब मुझे बराबर के अच्छे लगते हैं। बिल्कुल अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं? सोशल मीडिया पर हम आपको देखते रहते हैं दैट यू आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, देन एक मदरहुड भी आप संभाल रही हैं, प्रोफेशनली भी आर जस्ट ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, हाउ यू आर बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स? आई थिंक वो तो मतलब जमाने से लोग करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शेरनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे शिकार भी उसे करना है, उसे अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है। तो हालांकि ह्यूमन बींग के सबसे आसान है अगर देखा जाए तो, कि अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिर्फ मतलब एक चूज कर सकते हैं कि मैं सिर्फ बच्चे का ही कहीं ध्यान रखूंगी। पर ये प्रकृति में तो शुरू से हर हर जनजाति की मादा शुरू से मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीती है, जो उसको करना है जो करती है, अपने आप को दूसरे शिकार से बचाती है, खुद शिकार भी करती है और अपने बच्चों का ख्याल भी रखती है। तो क्यों हम अपने आप को बाकी प्रकृति के जातियों और जनजातियों से अलग समझते हैं, मेरा ये मानना है। तो सभी करते आए हैं हमसे पहले, रानी लक्ष्मीबाई ने किया है, हमारे हमारे जो कजन्स हैं चिम्पैंजीज, जो हमारे सबसे पास के रिश्तेदार हैं, जो हमारे साथ डीएनए शेयर करते हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो माँ होकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना ये तो सदियों से होता आ रहा है। इनफैक्ट जब हम गुफा में रहा करते थे आदि मानव के समय में, तब भी माँ का काम, अगर वो घर पे अगर गुफा के अंदर भी है तो उसे अपनी अपनी गुफा की अपने बच्चे की रक्षा करनी है, और अगर उसे जाके फल फूल लेकर आने हैं तो उसे आनी है, शिकार भी उसे करना ही है। ये तो हमारी सिविलाइजेशन की वजह से हमें ये फायदा मिल गया कि
आप हम चॉइस कर सकते हैं कि भाई सिर्फ अभी हम बच्चा ही मतलब मदरहुड ही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। नॉर्मली में अगर आप देखें तो प्रकृति में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, ये होता ही नहीं कि आप सिर्फ एक माँ बने, आपको माँ के साथ साथ अपनी खुद की हस्ती भी कायम रखनी है, तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। एंड यू आर डूइंग इट रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि 2003 से जब से आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, आप इस इंडस्ट्री में आ गई हैं, अब आपके पास जो स्क्रिप्ट्स आती हैं, किस तरह से आप कंटेंट को चुनकर कि ये अच्छी है ये नहीं है मुझे इसमें भाग लेना है, क्या कुछ थिंकिंग चेंज हुई है कि वाइल ग्रैबिंग दैट स्क्रिप्ट, ओके आई विल बी दैट पार्ट ऑफ दैट फिल्म और वेब सीरीज? I think for me, it's always been about how critical is my part to the plot. So whether it's Good Bad Girl, which is out on the 14th, or it's Ghost, which Nagarjuna and Sonal Chauhan, which is out tomorrow, which is my Telugu debut actually. For me, it's about how important my part is to the plot, कि मेरा जो किरदार है वो कहानी में क्या मायने रखता है, क्या यदि आप मेरे किरदार को कहानी से निकाल दोगे तो क्या कहानी कहानी अधूरी होगी? अगर अधूरी होगी तो मुझे जरूर वो पार्ट करना चाहिए, अगर अधूरी नहीं होगी तो फिर तो, अगर डेकोरेशन पर्पस के लिए मेरा पार्ट है फिर तो उसे मैं नहीं करना चाहूंगी। पर अगर मेरा अगर किरदार निकाल दिया जाए कहानी में से और वो कहानी फिर अधूरी हो जाए, इसका मतलब वो पार्ट मुझे करना चाहिए, अगर मुझे वो पार्ट पसंद है तो। ये सिंपल टेस्ट मैं अप्लाई करती हूँ और ये मेरी अप्रोच शुरू से सेम रही है। और ये भी जानना चाहूंगी इस पर आपकी क्या राय है कि अब ओटीटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म में आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह हो गई है, बहुत लोगों को जो न्यूली इस इंडस्ट्री में आए उनको स्पेस मिल चुका है, क्या एक टाइम आएगा कि जो ओटीटी है वो थिएटर को खा जाएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ कुछ तो पैरेलल होगा, कि कुछ बहुत सी ऐसी व्यूइंग डिसीजंस हैं, ऐसे व्यूइंग फैसले हैं जो आप ओटीटी के पक्ष में लेंगे। आप थके हुए हैं, आपको जाके थिएटर नहीं जाना है, खासतौर में कोविड जैसे माहौल में आपको लोगों से दूर रहना है, दूरी बनाए रखनी है, तो आप बोलेंगे मैं ओटीटी पे ही देख लेती हूँ। बड़ी बड़ी फिल्में भी ओटीटी पे कभी ना कभी तो आएंगी ही, जरूरी है बिल्कुल कि आप पैसे खर्च करके थिएटर जाएं। पर ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आप सिर्फ बड़े पर्दे पर ही एंजॉय कर सकते हैं, जिनके स्पेशल इफेक्ट्स उस प्रकार के हैं, मान लीजिए या बाहुबली, मैग्नस या जिनका स्केल इस तरीके से है, जिनमें बहुत स्पेशल इफेक्ट्स हैं। मान लीजिए टॉम क्रूज की लेटेस्ट फिल्म, ये 2 साल पैंडेमिक के दौरान बहुत सी फिल्में ऐसी थी जो बड़े पर्दे पे रिलीज नहीं हो सकी और उन्हें ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया, बड़े बड़े स्टार्स की, हॉलीवुड में भी और भारत में भी। पर टॉम क्रूज की जो फिल्म थी, जिस तरीके से उन्होंने शूट की मैवरिक, जो उनकी टॉप गन का सीक्वल है, उनकी ये बिलीफ थी कि ये फिल्म तो थिएटर में ही रिलीज होगी, वो और उनकी बिलीफ सही साबित हुई। 4 महीने बाद जुलाई समथिंग वो फिल्म रिलीज हुई थी, जुलाई के पहले हफ्ते में शायद, और आप देखिए 4 हफ्ते बाद भी वो फिल्म थिएटर में अभी भी चल रही है। तो कुछ ऐसी फिल्में हैं जो ऑडियंस को खींचकर थिएटर लेकर जाएंगी, पर वो कुछ में क्या खास है वो टाइम से टाइम निर्भर करेगा, मेरा ये मानना है। तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आपको लगेगा यार ओटीटी पे देख लेंगे, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत वक्त है तो आप शायद थिएटर भी चले जाएंगे, पर कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आप केवल थिएटर में ही देखना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है कि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनका स्तर बढ़ने वाला है, कि अगर आप जी ऑडियंस को खींचना चाहते हैं आपको स्केल बदली करना पड़ेगा, बिल्कुल तो फिर ऑडियंस खींच कर आएगी। नहीं तो मेरे हिसाब से ओटीटी बहुत बढ़िया मीडियम है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के कंफर्ट से कभी भी किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, घर क्या, कैब के कंफर्ट से, प्लेन में, ट्रेन में, मीटिंग के दौरान, मीटिंग्स के बीच में, आप जब चाहे अपना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आप अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि आप ड्राइवर की सीट में हैं, पहले रिलीज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर ड्राइवर की सीट में थे, हम निर्भर थे उन पर कि कब वो फिल्म रिलीज करेंगे और कब हम वो फिल्म देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड में फिलहाल एक नेगेटिविटी है, चाहे बॉयकॉट कह लीजिए, हाँ कभी भी जो भी फिल्म रिलीज हो रही है, पोस्टर रिलीज होता है उसको लेकर एक अलग ही मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो डू यू थिंक एनीथिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो चेंज करना चाहिए अपने पैटर्न पर रिलीज से पहले? मुझे लगता है ये इशू बॉलीवुड का नहीं है, ये इशू सोशल मीडिया का है। हमारे सोशल मीडिया में जो जो एक बातचीत करने की
गुंजाइश है वो घटती जा रही है। हुँ. आज सोशल मीडिया में आप अगर एक पक्ष में बात नहीं करेंगे या एक एक मुद्दे के पक्ष में नहीं बोलेंगे या उस मुद्दे के विपक्ष में बोलना चाहेंगे तो आपको 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 जगह नहीं मिलेगी उसके लिए। अगर आपके विचार उस विचारधारा से नहीं मिलते जो कि आज बहुमत में है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए हमें ऐसे लगता है वो विचार बहुमत में है, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है उन उन विचारों से अलग अपने विचार प्रकट करने की। और अगर आपने ये निर्णय लिया है कि नहीं, मैं तो अपने दूसरों के जो मतलब जो सब लोग मान रहे हैं उस बात से अलग अपनी छवि बनाए रखते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो फिर ये सोशल मीडिया की फौज आपके पीछे लग जाती है और आपकी आपकी रोजी रोटी के पीछे पड़ जाती है। चक्कर क्या है कि ये मुद्दे पर निर्भर नहीं है, ये एक विचारधारा पर निर्भर है। हमने एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया है कि देखिए, या तो आप के साथ है या तो आपके खिलाफ है। ये विचारधारा अपने आप में ही गलत है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो साइड होते हैं। अब हम यही मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, सिक्का सिर्फ ये साइड का है, हम ये सिक्के के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर ये इस प्रकार की विचारधारा केवल बॉलीवुड पर ही नहीं, हम सब पर लागू होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जितनी बात आप ये आगे फैलाएंगे आपका भी फायदा होगा और देश का भी, क्योंकि जब भी किसी भी देश में इस प्रकार की विचारधारा होती है कि एक ही पहलू है, दूसरा तो पहलू है ही नहीं मुद्दे का, वो विचारधारा का इशू है। और हम जानते हुए भी दूसरे पक्ष को सुनना नहीं चाहते, उसे नजरअंदाज करना चाह रहे, तो ये हावी केवल बॉलीवुड पे नहीं पड़ेगा, आने वाले समय पे आप पे भी पड़ेगा, मुझ पे भी पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा का मुद्दा है, बॉयकॉट का नहीं। बहुत बड़ा बिल्कुल आंसर दिया है पर मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ आया होगा जो मैं कहना जी चाह रहा। जी साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर बॉलीवुड का एक सच आपको बताना हो और एक झूठ, तो इस पर क्या राय होगी आप? सच तो ये है कि अल्टीमेटली आपकी जो हैसियत है वो आपके शोज, आपके आपकी फिल्म्स की परफॉर्मेंस पर ही निर्भर है। और झूठ ये है कि सभी बोलते हैं आपकी फिल्म देख के बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। अच्छी लगे ना लगे आपको उस स्थिति में डाल दिया जाता है कि आपके पास और कुछ कहने को बच नहीं जाता है। आपको कोई आमंत्रित करता है अपने फिल्म के प्रीमियर के लिए, फिल्म की ट्रायल के लिए, और आपसे अगर पूछते हैं कैसी लगी तो आप क्या जवाब देंगे? मैं दोनों मतलब दोनों दृष्टिकोण से बात कर रही हूँ। जब मैं किसी को अपनी फिल्म देखने के लिए बुलाती हूँ, शायद उन्हें पसंद ना आए पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस स्थिति में मुझे बोलने के कि बहुत घटिया बनाई भाई आपने। और जब मैं किसी और की फिल्म देखने जाती हूँ, इतनी इंसानियत इंसानियत कह लीजिए या फिर हमदर्दी हम सब में है कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो वो झूठ सब बोलते हैं बॉलीवुड में। जब भी कोई देखता है बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी, और पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं जो शायद वो चेहरे के ऊपर नहीं कह सकते। जी साथ ही लेटेस्ट कोई आप वेब सीरीज देख रही हैं फिलहाल ओटीटी में या टेलीविजन का कोई शो देख रही हैं? मैंने ओजाक देखी थी हाल ही में। मैं गुल्लक देखना चाहती हूँ, वैभव का शो जिसके बहुत सारे सीजन आ चुके हैं, और मैं जामतारा देखना चाहती हूँ, उसका भी द टू द सीजन। फर्स्ट वन या सीजन I've not टू? even seen the first one, but it's on my ओके अच्छा list. वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। पर और ज्यादातर तो टीवी आजकल मैं जो देखती हूँ वो जो मेरा बेटा देखना चाहता है, क्योंकि वही मतलब एक एक तरीके से उसी का सिक्के का फ्रंट साइड है, मतलब उसी की विचारधारा चलती है जहां तक कि कंटेंट देखने की बात है। अगर वो सो जाता है फिर मेरे पास थोड़े ऑप्शन होते हैं, या फिर प्लेन पे थोड़े ऑप्शन होते हैं मेरे पास, मैं क्या देखूं। अच्छा टीवी शोज में हाल फिलहाल में बिग बॉस भी शुरू हो चुका है सीजन 16, आप देख रही हैं? मैंने शायद पहला सीजन थोड़ा बहुत कभी देखा होगा यहाँ वहां कहीं, अगर मैं एयरपोर्ट पे हूँ या उस वक्त मैंने टीवी देख लिया। टीवी तो मैं बहुत देर से नहीं देखती थी क्योंकि मेरी मेरे मेरे आवर्स ऐसे हैं कि मैं ज्यादा देर तक कुछ देख नहीं पाती हूँ। मैं 5 बजे उठती हूँ और 9:30 मतलब 9 बजे मेरी बत्ती ऑफ हो जाती है घर में टिपिकली, तो ये सब अक्सर जो इस टाइप के प्राइम टाइम वाले शोज 9 बजे के बाद ही आते हैं मेरे ख्याल से। कितने बजे आता है नाइन वो? मेरी तो मेरे स्कोप से बाहर है, अच्छा बहुत देर से, आज से नहीं बहुत देर से, शायद 16 सीजन से शायद। इसी बीच एक गुड न्यूज दे दूं, किली पॉल को आप जरूर सोशल मीडिया पर फॉलो करती हैं, तो वो भी बिल्कुल वाइल्ड वायरल कार्ड है एंट्री इंडिया आजकल।
हाँ, और और वो वाइल्ड अलग कार्ड अलग एंट्री होकर भी इन्फ्लुएंसर्स जा के रहे हैं। साथ वीडियोस बना रहे हैं। यस, एंड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री वो बिग बॉस में भी एंट्री करने वाले हैं। व्हाट आर यू सेइंग, ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। इसका मतलब हम उनको देख नहीं पाएंगे सोशल मीडिया पे बहुत देर तक। कि सोशल मीडिया हाँ, फोन रहता है कि नहीं, फोन नहीं सोशल मीडिया पर रहता है? नहीं देखती। हाँ पर जब आप बिग बॉस में होते हैं तो आपको आपका फोन नहीं मिलता है ना, नहीं नहीं कि नहीं नहीं किसी देखती, से बातचीत नहीं कर सकते आप बाहर से, नहीं, कर सकते हैं आपको पता होगा। नहीं कर सकते, नहीं देते। उसका मतलब कितनी और कितनी देर चलेगा बिग बॉस? 105 days, पर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो कम से कम 1-2 week तक वो रहेंगे, थोड़ा गेम इधर उधर करेंगे, एंड देन ही विल बी टाटा बाय बाय एंटरटेन करके। वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड हिज सक्सेस एंड द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू बी ऑन इंडियाज बिग बिग बॉस। अमेजिंग। लास्टली, एक्सपीरियंस कैसा था? आपने शिवा के साथ, समृद्धि वैभव के साथ, इन कलाकारों के साथ काम किया है, इन पर अगर आप कुछ कहना चाहें, हाउ वाज द वर्क विद देम? I think it's amazing to work with talent, young talent, enthusiastic, energetic, as well as senior talent, because आपका पहलू और आपका नजरिया बदलता रहता है। आप अलग अलग लोगों के साथ काम करने का आपको मौका मिलता है, जो मिलेनियल्स हैं, जो जो एक ऐसी स्थिति से आए हैं कि शायद वो नए हैं, नए तो नहीं कह सकते, वैसे तो समृद्धि और वैभव को बहुत काफी देर से यहाँ पर हैं, पर मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि और मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि मैं जिसके साथ भी काम करूं, मैं एक ऐसा वातावरण क्रिएट करूं कि वो अपना बेस्ट दे पाए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, चाहे मैं अपने से छोटों के साथ काम करूं उम्र में, या उम्र में अपने बच्चे से, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारा वर्क इन्वायरमेंट है उसे हम बहुत ही खूबसूरत और सहज बना के रखें, ताकि सबके पास मौका हो और या काबिलियत हो अपना अपना बेस्ट देने की। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे आपने जितनी भी अपनी फिल्म के बारे में, और साथ ही जो ओपिनियन आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में रखी है, वो ऑफकोर्स जो फैंस देखेंगे तो उनके क्लिक होगा और दिमाग की बत्ती चलेगी। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड इस पर तमाम जानकारी देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्षा, थैंक यू वेरी मच।